और ये यहाँ के रहने वाले भी नहीं है। तो ये मतलब आपके बता रहा हूँ ना पड़ोस में इधर उधर चल कर इसकी शिकायत वगैरह दी क्या आपने पुलिस? हाँ, अभी गए हैं सब थाने। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। पूरा मामला ये है सर जी, ये हमारे एक ये साधु संत है और हमारे एक पड़ोस में अनिल जी रहने वाले हैं। तब उन्हों के यहाँ से कोई साधु संत आया और उनको लाके यहाँ पे जबरदस्ती जेसीबी से खड्डा खोद के और हाथों हाथ उनको यहाँ से दफना के चल गए। जबकि ये हमारा ये हिंदुओं का शमशान है, इसके अंदर क्या है कि ना तो कोई छोटे से बच्चों को हम दबाते हैं ना कुछ करते हैं। अब यहाँ पे हाथों हाथ लाके इन्होंने सार पूरा ये बना दिया जो कि सबका इसका सब कर विरोध कर रहे हैं। पूरा समाज रावत समाज विरोध कर रहा है, सारी कॉलोनी विरोध कर रही है, हर चीज़ इसके अंदर विरोध के अंदर है। ये अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए सर, 15 मिनट आधा घंटा हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा का कोई टाइम नहीं हुआ। हैंड टू हैंड जेसीबी लाए और टेम्पू के अंदर उनको बिठा के लेकर आए। अगर सर जी हिंदू थे तो उनको हिंदू रीति रिवाज से लाते और हिंदू रीति रिवाज से उनका क्रियाकर्म करते, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और अगर ये मोमडन थे तो इनको अपने स्थान के ऊपर ले जाते, वहाँ पे इनके वो करते कब्रिस्तान के अंदर, और फिर कब्रिस्तान के अंदर हाथों से वो कब्र खोदी जाती है ना कि जेसीबी से। हाँ बिल्कुल, पुलिस स्टेशन पे गए हुए हैं, सारे की सारी कॉलोनी गई हुई है, रावत समाज गए हुए हैं, हमारे सारे वहाँ के अंदर। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा। यहाँ का माहौल तो भैया अभी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मेरी बात सुनो, अभी दिन में कोई साधु थे बताते हैं, 105 साल की उम्र की बता रहे हैं, तो उनको डेड हो गई थी, यहाँ पे लाके समाधि दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं समाधि, लेकिन पूछ के जैसे यहाँ के घिसुगढ़ वाले ज्ञान जी साहब है, बोले हम लोग सब जगह से परमिशन ला के उसकी समाधि दे रहे हैं, तो गलत है। समाधि देना ये इतना बड़ा शमशान है, उसमें आप क्रियाक्रम कर सकते हैं ना, और कोई बात नहीं है। तो अभी गए हैं पुलिस थाने, सब पब्लिक गई है इकट्ठी होकर। जेसीबी से लाके, जेसीबी से खोदा इन्होंने। हाँ जेसीबी से भरा सर। क्या चाहते हैं आप लोग जैसे जो इकट्ठा हुआ? हम ये लोग तो सर, हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ से इनको निकाला जाए, इनका रीति रिवाज से क्रियाक्रम कर जाए, हम लोग का यही निवेदन है। हिंदू है तो रीति रिवाज से कर। बस आपका नाम? मेरा नाम जीनत। अब उनसे बोला कि भाई अगर हिंदू है तो इनको जलाओ, ये कब्रिस्तान थोड़ी तो आप यहाँ पे ये बच्चा खोल के एकदम जा रहे हो। चलो देखो ये दुर्गेश भी दुर्गेश, चलो लोगों से आइए सब आइए। तो हिंदू थे क्या वो? ये मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, और ये यहाँ के रहने वाले भी नहीं है। तो ये मतलब आपके बता रहा हूँ ना पड़ोस में इधर उधर चल कर इसकी शिकायत वगैरह दी क्या आपने पुलिस? हाँ अभी गए हैं सब थाने के अंदर, सब अभी थाने के अंदर गए हैं, पूरी कॉलोनी और पूरे रावत समाज सब, क्योंकि यहाँ पे क्या कि हम बच्चों को भी नहीं दफनाने देते हैं। नहीं सही है, सही है। तो ये बड़ों को यहाँ पे दफनाने का कोई मतलब ही नहीं था। और अगर ये महात्मा है और अगर वो साधु संत है तो इनको अपनी जगह पे ले जाके उनका क्रियाकर्म करो। तो जल्दबाजी में हुआ सारा काम, ये सारा जेसीबी लेकर आए सर। अगर सीधा साधा काम होता तो जेसीबी लाने की क्या जरूरत है? कब्र आप लोग से खोद दी जाती है? आप लोग थे नहीं का? टेम्पो में बिठा के लाए उसको, जैसे कोई चिंता हो या तो बैठते हैं हम लोग।